गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख ट्रैवलर हाउस, जहाँ हम यहाँ रुके हुए थे। तो गाइज, आज का हमारा डेस्टिनेशन है खारदुंगला, और खारदुंगला से हम जाने वाले हैं नुब्रा और डिस्ट्रिक्ट। और ये नहीं पता अभी हम आज नुब्रा में रुकने वाले हैं या डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ भी होगा वही आगे पता चल जाएगा। और काफ़ी एक्साइटेड है गाइज इस राइड को लेके, क्योंकि यहाँ हम जहाँ जा रहे हैं वो टॉप ऑफ द हाइस्ट मोटर बोर्ड से जाना जाता है। और यहाँ पैक हमारा पूरा पैक हो चुका है, रेडी हो चुका है, एंड चलो चलते हैं। आज मौसम भी ठीक है एंड थोड़ा सा ठंड भी है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और भी ठंड होने वाला है, क्योंकि वो माइनस तक भी जाने वाला है या 1 डिग्री से भी नीचे जाने वाला है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा जो इतने ठंड में जो राइड करने वाला हूँ, और अभी से मेरा जो पूरा सब कुछ हाथ काल सब ठंड हो चुका है। पर राइड ऑन है एंड जोश भी हाई है, ठीक है ना, मिलता हूं। ऑल सेट टू मूव। पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं हम। एक्चुअली क्या हुआ, कल एक भाई लोग वो रेंटेड बाइक किए थे, तो उनके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल बच गया था, तो उन्होंने कहा कि आप ले लो। तो हाँ, उन्होंने जेरी कैन के साथ में हमने उनसे ले लिया 100 रुपीज़ करके, ठीक है। वैसे पेट्रोल भरना था, एक्स्ट्रा लेना भी था, इसीलिए हमने ले लिया, ठीक है। चमक रहा है मेरा बाइक, देख रहे हो अब, 100% से ऐसा नहीं रहेगा, इतना पता है मुझे, ठीक है। जो भी है गाइस, आज का हमारा जर्नी होगा खारदुंगला होके नुब्रा। खारदुंगला गाइस, खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वाओ, चलो लेट्स गो। हाँ जी गाइस, बाय बाय ले मार्केट को, बाय बाय करते हुए ले को, बाय बाय करते हुए निकल रहे हैं हम आगे। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, और अच्छे खासे हम एक्लेमेटाइज हो गए यहाँ पे। और अभी जो आगे का रोड है, सो खारदुंगला वाला यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 30-40 किलोमीटर है। टाइम अपडेट है 10 बज चुका है। ब्रेकफास्ट कुछ हमने किया नहीं है। और गाइस अपडेट, अगर ना गाइस, अगर नेक्स्ट डे आपको निकलना है खारदुंगला वाया मतलब नुब्रा के लिए ना, तो पेट्रोल पहले भरा लो पूरा। मेरे जैसे गलती मत करना, मैं हमेशा यही गलती करते रहता हूँ। कल इतना दिन बैठा फ्री था, पेट्रोल फुल करके कर लिया था, तो अभी मेरा एटलीस्ट 20-25 मिनट तो बच जाता, 20-25 मिनट यहीं बहुत वेस्ट हो गया, पेट्रोल हवा। उसके बाद मैं अपना कैश जो निकालना है निकाल लेना था, तो मैंने अभी निकाला कैश भी और सब कुछ, इसलिए थोड़ा सा 25 मिनट जितना 20-25 मिनट इधर वेस्ट हो गया। जो है ठंड लग रहा है अंदर, पता नहीं इतना थर्मल पहनने के बाद भी मस्त वाला ठंड घुस रहा है गाइस, लिटरली बता नहीं सकता है। 18,000 फीट पर आप जा रहे हो और ठंड नहीं मिलेगा, तो ये बात तो हो ही नहीं सकता है। तो ये भाई बिल्कुल गाइस, आप ले मार्केट से आओगे ना, तो यहाँ पे ये चौक मिलेगा सर्कल, ठीक है ना। ये सर्कल से राइट लेके फिर से वो आगे राइट होगा, वो राइट ले लेना, ठीक है ना। तो बोर्ड लगा हुआ है, हाँ जी गाइस, तो ये रोड लेना है खारदुंगला 39 डिस्किट 118। तो हमारा है प्लान डिस्किट या तो नुब्रा, देखते हैं कहाँ रुकते हैं, जो भी है अपडेट देंगे, ठीक है ना। तो वाया खारदुंगला होके जाना है वैसे भी हमें। रोड अभी तक अच्छा है गाइस एंड मस्त है, बस वो देख लो ऐसा ऐसा करके ऊपर जाना है। आई थिंक ये पहाड़ से वो पहाड़ जाना होगा कहीं, तो चलो देखते हैं, जो भी पहाड़ जाना जाना तो है ही। नज़ारे देख लो, ऐसा नज़ारे हैं बोले। नैरो रोड है तो काफ़ी संभल के चलना है मुझे, एक ही रोड में गाड़ी भी आ रहे हैं जा भी रहे, तो स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है ना। कौन पा ले व्यू पॉइंट है ये, ठीक है, आ जाए, देख रहे हो, और देख रहे हो गाड़ी सब कहाँ पहुँच रहे हैं गाइस, वहाँ पहुँचना है। मतलब एक पहाड़ से छोड़ के वो पहाड़ को चढ़ के वो टॉप में जाना है, देख रहे हो वो टॉप देख रहे हैं गाइस, आई थिंक वहाँ जाना है 18,000 फीट पे। और ग्रेट सैल्यूट है गाइस, ग्रेट सैल्यूट, मतलब दिल से मतलब सैल्यूट है उन सभी को जो ये रोड बनाने में मतलब हिस्सेदारी है, मतलब चाहे वो छोटे से छोटे लेबर भी हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे BRO के जो भी हो, सभी को दिल से बड़ा सैल्यूट गाइस, क्योंकि इतने हाई एटीट्यूड में इस तरह का रोड बनाना नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना चाहिए। हाँ जी गाइस, थोड़ा देर रुके हैं बस ये नज़ारा देखने के लिए, बस देख रहे दूर दूर तक किस तरह का नज़ारा है। ऐसे हमको देखो साइकिल लेके आ रहे हैं, वो भी खारदुंगला में साइकिल चला के आ रहे हैं गाइस, साइकिल, सोचो, सैल्यूट इनको भाई, सैल्यूट है, साइकिल चला के आना, वाह ग्रेट,
देख रहे हो जोश मतलब लोगों में के अंदर। गाइस कैमरा बंद करने का फिर से दोबारा मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और वहाँ भी मुझे बचा के रखना है। सो ऑलरेडी एक चांस तो हो रहा है, क्या करें अभी बंद भी के बिना भी ये नज़ारे भी तो खोने का मन नहीं करता है। यार आपकी सेवा में ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सबका जो इस तरह से हम लोगों के लिए ईजी बना दिया है रोड्स। तो गाइस मैंने कल एक डायमंड्स खा लिया था जैसे मैंने सर पहले बोल दिया हूँ, और सुबह भी एक खाना तो पर खाया नहीं, मैंने लगा एक ही काफ़ी है। अगर लगा कुछ प्रॉब्लम तो लहसुन है, लहसुन चबा लूँगा क्योंकि लहसुन ऑल्सो इज़ गुड आई थिंक, जहाँ तक मैंने सुना हो लहसुन आपको हाई एटीट्यूड में जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन का जो है वो आपको बना रहेगा। तो गाइस अगर लहसुन या कपूर भी होगा ना तो कपूर भी सूंघ लेना, अगर आपको थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो नाक के उधर जो है अपना उधर लगा लेना, तो मैं वही करूँगा। मेरे पास दोनों है, कपूर भी, अगर मुझे लगेगा कि कुछ भी सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मैं वो कर लूँगा, बाकी सब बढ़िया है अभी। देखो गाइस पहाड़ देख रहे हो, लैंडस्केप देखो ना, ये अच्छी बात है, मतलब उन्होंने उनको देखा कि बाइक आ रहे हैं लोडेड है तो उन्होंने उस साइड चले गए उनका अपना। थैंक यू जो भी थे, ये समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 9 किलोमीटर में गाइस साउथ पुल्लू आएगा और साउथ पुल्लू से आई थिंक और 15 किलोमीटर खार दूंगा। गाइस देख रहे हो बर्फ, देख रहे हो लाइफ का फर्स्ट टाइम मतलब देख रहा हूँ मैं, उस दिन भी देखा अभी और भी सामने से देख रहा हूँ, फ्रेश फ्रेश बर्फ़ गिरा हुआ लग रहा है वहाँ पे, पता नहीं कौन सा जगह है वो। मज़ा आ रहा है गाइस, अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब हाथ फ्रीज हो चुका है, मतलब मेरा उस टेम्परेचर है वो सर डाउन हो चुका है कुल्लू में, और यहाँ हमारा भी एंट्री होगा, हाँ एंट्री करना तो सागर गया एंट्री करने के, उसके बाद मैं जाऊँगा और गोप्रो जो है पूरा डेड हो चुका है ठीक है ना, अब हिम्मत नहीं बताया, हाथ जो है ना फ्रीज हो चुका है, मतलब ग्लव्स खोलने का मन भी नहीं कर रहा था सीरियसली, अब ज़्यादा और नहीं तो जल्दी से जल्दी होकर आ जाना है ठीक है। सुबह में मौसम भी ठीक है अभी तक, चलो ऑल सेट, चाय भी आ गया, मैगी खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मैगी बहुत अच्छा बना है। आप कुल्लू में आओगे तो कुल्लू में बस यहाँ पे ये मिलेगा खारतुंगा रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप मैगी खा सकते हो, और ये देखो पहाड़ियों वाले टोगू अंकल की मैगी खा रहे हैं। और ये आपका नाम क्या है? नीतू चोपड़ा, आई मीट नीतू चोपड़ा, एंड काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, इनका एक्सपीरियंस जो है आपने कहाँ तक अभी तक कवर किया है? अभी हम लोग जयपुर से चले थे, हाँ अभी हम खारतुंगा पहुँचेंगे जी, खारतुंगा से आप लोग फ्लैग ऑफ कर रहे हो, फिर खारतुंगा से कितना से हम लोगों का 20,000 प्लस किलोमीटर, हाँ हाँ हाँ, राइड के साथ में द प्रायोरिटी इज टू इंटरेक्ट विद यू, यस यस, मोटिवेट देम टू फॉलो देयर पैशन प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर कंजर्वेशन, दैट इज द ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट, यस ओके ओके, सो वी आर फोकसिंग टू इंटरेक्ट विद 1 lakh प्लस पीपल, प्लस वी विल गो टू इंस्टीट्यूट्स, वी विल एक्सप्लोर देयर कल्चर लोकेलिटी एंड एवरीथिंग, श्योर श्योर, वेरी गुड, मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा मतलब इनसे मिलके, और ये अकेली नहीं है इनके साथ में और एक आपके मतलब मुकुल बोल के वो राइडर मुकुल, मेट मुकुल गाइस ठीक है ना, तो ये भी साथ में राइड करें इनके, और ये दोनों अभी आप लोग कितना स्टेट अभी कवर करने वाले हो? 28 स्टेट्स, 7 यूटीज क्योंकि दो पानी में है और 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, जैसे थोड़ी देर में हम पहले कॉर्नर पे पहुंचेंगे खारतुंगा में, और ये हमारा एक एसोसिएशन है, अच्छा अच्छा, जितने लोग क्रिएटिव है पैशनेट है, इसकी फर्स्ट नॉवल आई थी 17 की एज में, नाउ ही इज 20 सुपर एंड ही इज डूइंग दिस रिकॉर्ड ऑन लर्निंग लाइसेंस, या वाह 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 ग्रेट, मतलब काफी अच्छा लगता है सब सुन के गाइस, सीरियसली बोलता हूँ ग्रेट फीलिंग, मतलब थम्स अप एंड ऑल द बेस्ट यू गाइस, ठीक है ना, अच्छा लगा इनसे मिलके। तो अभी हम लोग यहाँ मैगी खाएंगे, अब निकलते हैं यहाँ से कुल्लू से, एंट्री भी हो गया, एंट्री करके हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब सीधा खारतुंगा 18,300 के फीट में मिलते हैं ठीक है ना, चलो। जय माता दी, अब सर्जिकल ग्लव्स भी वो काम नहीं कर रहे, हाथ जो है ना जो ठंड हुआ है ना कहीं बता सकता हूँ। सो गाइस फाइनली आई थिंक हम पहुँच चुके हैं खारतुंगा, लग रहा है हमें, यो 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 खारतुंगा टॉप आई थिंक, यस गाइस वी डिड इट,
खारदुंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पहुंच गए। सो विजय भाई के साथ में, सागर भाई के साथ पहुंच गए हम लोग खारदुंगला। कैसा लग रहा है आपका? तो फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है? सेकंड टाइम इनका, हमारा फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है। और ग्रेट फील्स हो रहा है, ग्रेट फीलिंग। वाह देख लो, तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लोग खूब जमे पड़े हुए। पता नहीं मेरा बाइक ले जा पाऊँगा नहीं पाऊँगा, और ज़्यादा वेट तो नहीं करूँगा। और देखो गाइस स्नो भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लाइफ का फर्स्ट टाइम बर्फ़ देख रहे हैं, और देखो बर्फ़ दिखाता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। ये देखो यार, नीतू जी भी आ गए, सब आ गए। तो यहाँ से इनका फ्लैग ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए सबको। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फ्री फ्लाइंग ईगल हो गया, काफ़ी एक्टिविटी हो गया आज के लिए। निकलते हैं, सांस अब फूल रहा है, अब ना हो पाएगा भाई। चलो भाई बाय बाय करते हैं, दोबारा फिर जल्दी मिलने का मौका मिला। तो काफ़ी अच्छा लगा फर्स्ट टाइम ऐसे इवेंट, काफ़ी अच्छा फर्स्ट टाइम ऐसे। बाय कर दूँगा, बाय बाय।